नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। राजकुमार अपने अक्खड़पन के लिए मशहूर थे। वो किसी भी एक्टर को कुछ भी बोल देते थे। एक बार उन्होंने सुनील दत्त से पंगा ले लिया था, जिसकी वजह से वो बुरी तरह नाराज हो गए थे। यहाँ तक कि गुस्से में सुनील दत्त ने राजकुमार का कॉलर भी पकड़ लिया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दिग्गज एक्टर राजकुमार अपनी यूनिक एक्टिंग स्टाइल के लिए मशहूर थे। उन्होंने सौदागर, पाकीजा और वक्त जैसी कई फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी का जलवा बिखेरा। हाल ही में मुकेश खन्ना ने बताया कि एक बार राजकुमार ने राजेश खन्ना और जितेंद्र को जूनियर आर्टिस्ट कह दिया था। इसके साथ ही खुलासा किया कि एक बार सुनील दत्त से उलझना राजकुमार को भारी पड़ गया था। एक इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने बताया, एक बार सेट पर जितेंद्र, राजेश खन्ना और चार पांच बड़े बड़े एक्टर्स खड़े थे। राजकुमार मेकअप रूम से निकले और सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे पहुंचे। उन्होंने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से कहा, जानी काफी जूनियर आर्टिस्ट जमा करके रखे हुए हैं। मुकेश खन्ना ने बताया कि राजकुमार ने जीनत अमान से कहा था कि जानी तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए था। मुकेश खन्ना ने आगे बताया कि राजकुमार कमाल के इंसान थे, लेकिन वो बहुत जल्दी डर भी जाते थे। वो डरपोक किस्म के आदमी थे। उन्होंने एक किस्सा याद करते हुए कहा, एक बार राजकुमार अमजद खान के साथ शूटिंग कर रहे थे तो राजकुमार ने उन्हें कुछ कह दिया था। इसके बाद अमजद खान ने उन्हें पकड़ लिया और कहा कि अगर तुम्हें पंजा लड़ाना है तो लड़ा लो, लेकिन जो कहना है मुंह पर कहा करो। मुकेश खन्ना ने फिर आगे बताया कि एक बार राजकुमार सुनील दत्त से उलझ गए थे। मुकेश खन्ना ने कहा, मुझे किसी ने बताया था कि राजकुमार शूटिंग के दौरान दूसरी तरफ देखकर डायलॉग बोल रहे थे, जिसकी वजह से सुनील दत्त बहुत बुरा मान गए। फिर उन्होंने तुरंत राजकुमार का कॉलर पकड़ लिया और उनका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। सुनील दत्त ने राजकुमार से कहा, मेरी तरफ देखकर बात करो। उस वक्त राजकुमार पूरी तरह हिल गए थे। राजकुमार बॉलीवुड इंडस्ट्री के बेहतरीन सितारों में से एक थे। तिरंगा से लेकर पाकीजा और मदर इंडिया जैसी फिल्मों में उनकी दमदार एक्टिंग की खूब तारीफ हुई। राजकुमार का 3 जुलाई 1996 को 69 साल की उम्र में निधन हो गया था। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।